जुगल नाम सुने मां जपत नित कुंज बिहारी अवलोकत रह केल सखी सुख के अधिकारी गान कला गंधर्वा श्याम श्यामा कुतों से उत्तम भोग लगाए मोर मरकट तिमि पोसे नृपति द्वार ठाड़े रहे और दर्शन आशा जा सुखी आशुधीर उद्योत करे रसिक छाप श्री हरिदास की ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पग वंदन किए नाशे विघ्न अनेक इनके पग वंदन किए नाशे विघ्न अनेक इनके पग वंदन किए नाशे विघ्न अनेक जय जय श्री राधे करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे सभी गाय कृपामयी मेरी दयामयी राधे हे करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी श्यामा करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी श्यामा भूषण ज्योति अगाधे जय राधे राधे भूषण ज्योति अगाधे जय राधे राधे भूषण ज्योति अगाधे सहचरी संग निशामि धामिनी उज्ज्वल मन की साधे
दशक बिहारिन कृपा निहारिन पीताम्बर आराधे जय राधे राधे पीताम्बर आराधे जय राधे राधे पीताम्बर आराधे राधे चरण महा सुखदाई किशोरी झुके चरण महा सुखदाई नहीं निरख लाल भय प्रीतम करत केले मन भाई किशोरी झुके चरण महा सुखदाई किशोरी झुके चरण महा सुखदाई कबहु की सब रस कर आनंद में राखत कंठ लगाई यही चरण हमारे मस्तक अब डर करत बनाई चरण महा सुखदाई किशोरी झुके चरण महा सुखदाई हे करुणामयी करुणामयी हो कृपामयी कृपामयी रे मेरी दयामयी श्यामा करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे 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 करुणामयी कृपामयी रस बरसत धन घोरी नमो नमो जय कुंज महल नित नमो नमो जामे सुख होरी नमो नमो जामे सुख होरी नमो नमो जामे सुख होरी नमो नमो श्री कुंज बिहार नमो नमो प्रीतम चित चोरी नमो नमो जय श्री हरिदासी नमो नमो इन्हीं की जोरी नमो नमो इन्हीं की जोरी नमो नमो इन्हीं की जोरी एक बार अयोध्या जाओ एक बार अयोध्या जाओ दो बार द्वारका तीन बार जाकर त्रिवेणी में नहाओगे चार बार चित्रकूट नौ बार नासिक में बार बार जाके बद्रीनाथ घूम आओगे बार बार जाके बद्रीनाथ घूम आओगे बार बार जाके बद्रीनाथ घूम आओगे चार बार चित्रकूट नौ बार नासिक में और बार बार जाके बद्रीनाथ घूम आओगे चार बार चित्रकूट नौ बार नासिक में बार बार जाके बद्रीनाथ घूम आओगे कोट बार काशी केदारनाथ रामेश्वर गया जगन्नाथ आदि चाहे जहाँ जाओगे गया जगन्नाथ आदि चाहे जहाँ जाओगे जगन्नाथ होंगे प्रत्यक्ष यहाँ दर्श श्याम श्यामा के वृंदावन सा कहीं आनंद नहीं पाओगे वृंदावन सा कहीं आनंद नहीं पाओगे वृंदावन सा कहीं आनंद नहीं पाओगे होंगे प्रत्यक्ष यहाँ दर्श श्याम श्यामा के वृंदावन सा कहीं आनंद नहीं पाओगे वैसे यहाँ कहने की बात नहीं क्योंकि आप सभी तो वृंदावन से प्रेम करते हो
आप सभी तो वृंदावन में रहते हो, श्री जी कृपा करें तो शरीर वृंदावन पहुंच जाता है, और वरना श्री जी परम कृपा करें तो मन वृंदावन में रहता है। रहता है कि नहीं रहता है? किस किस का मन वृंदावन में रहता है जरा बताओ। जिसका मन वृंदावन में रहे वो भी वृंदावन वासी ही होता है। क्यों? हमारो वृंदावन उर और। वृंदावन तो हृदय का भाव है। वृंदावन से कहीं आनंद नहीं पाओगे। एक लीला हमने सुनी, किसी रसिक संत से आप सब श्रवण कर लें। एक बार देव ऋषि नारद वृंदावन धाम की परिक्रमा कर रहे थे। परिक्रमा करते करते सड़क के किनारे कीचड़ में बैठे हुए एक मेंढक के ऊपर नारद जी की दृष्टि गई। संत हृदय नवनीत समाना, नारद जी का हृदय द्रवीभूत हो गया। आखिर है तो जीव ही, इस कीचड़ में बैठा है, इस गंदगी में बैठा है, इस पर कृपा करनी चाहिए। और नारद जी उस मेंढक के पास गए, कहा कि इस गंदगी में, इस कीचड़ में बैठा है, चल तुझे स्वर्गलोक में ले चलो। उस मेंढक ने मना कर दिया, कहा क्षमा करना सरकार, मैं आपके साथ आपके स्वर्गलोक में नहीं जाना चाहता। नारद जी ने सोचा कि स्वर्ग की महिमा नहीं जानता, महिमा बताने लगे। लोग स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए कितने बड़े बड़े दान पुण्य तप इत्यादि करते हैं, तब भी स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती, और मैं तुझे सहज ही स्वर्ग ले जाना चाहता हूं, तू मना करता है। मेंढक ने कहा सरकार मुझे यही आनंद आ रहा है, तो स्वर्ग जाके क्या करूं, क्या इस कीचड़ में बैठा है आनंद की बात करता है, चल स्वर्ग में लेके चलो। कहा सरकार नहीं जाऊंगा। नारद जी भी जिद पे अड़ गए। अब ये तो योग हट हो गई। नारद जी कहा मैं तुझे ले जाए भी ना मानूंगा नहीं। उस मेंढक ने विचार किया, संत भगवान है, ना जाने किस रूप पे मुझ पे कृपा करना चाहते हैं, इनकी बात मान ली जाए। और नारद जी से उस मेंढक ने कहा सरकार आपके साथ स्वर्ग चलने के लिए तैयार हूं, आप चाहते हैं तो, लेकिन तीन चीज मुझे नित्य चाहिए। क्या आपके स्वर्ग में मिलेंगी? अरे कल्प वृक्ष है, केवल कल्पना मात्र से सब कुछ मिल जाता है वहां तो। का वो तो ठीक है, लेकिन सबसे पहले ये बताओ क्या आपके स्वर्ग में मुझे यमुना जी का दर्शन होगा कि नहीं होगा? का यमुना जी का स्वर्ग में कोई काम नहीं है भैया? चलो कोई बात नहीं। क्या आपके स्वर्ग में संत वैष्णव जनों का दर्शन होगा? का संत वैष्णवों का स्वर्ग में क्या काम? वो तो साक्षात ठाकुर जी के नित्य धाम को जाते। चलो कोई बात नहीं, एक बात तो बताओ कि आपके स्वर्ग में राधा नाम का कीर्तन, श्यामा श्याम के नाम का कीर्तन तो होता होगा कि नहीं होता होगा? कि वहाँ कोई कीर्तन नहीं होता, वहाँ तो सब अपने पुण्यों को भोगने के लिए जाते हैं। तो उस कीचड़ में बैठे हुए मेंढक ने कहा क्षमा करना सरकार, लेकिन धिक्कार है ऐसे स्वर्ग में जहाँ श्री यमुना जी का दर्शन नहीं, जहाँ संतों का दर्शन नहीं, जहाँ राधा नाम कानों में ना जाए। उससे अच्छी तो वृंदावन की कीचड़ है, जिस कीचड़ में बैठते भी श्री जी का नाम का आनंद मैं ले रहा हूँ। प्यारे ये भाव है। कीरत सुता के पग पग पे प्रयाग जहाँ, केशव के खेल कुंज कोटि कोटि काशी है। केशव के खेल कुंज कोटि कोटि काशी है। केशव के खेल कुंज कोटि कोटि काशी है। जमुना में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वर, तरु तरु पे बसे अयोध्या निवासी है। तरु तरु पे बसे अयोध्या निवासी है। तरु तरु पे बसे अयोध्या निवासी है। गोपिन के द्वार 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 पे है हरिद्वार, बद्री केदारनाथ बसे दास दासी है। स्वर्ग अपवर्ग व्यथा लेकर करेंगे क्या, जानते नहीं हो हम वृंदावन वासी हैं। जानते नहीं हो हम वृंदावन वासी हैं। जानते नहीं हो हम वृंदावन वासी हैं। करुणामयी करुणामयी हो, कृपामयी कृपामयी हे, मेरी दयामयी श्यामा करुणा, सभी पुकारो राधे करुणामयी कृपामयी।
फिर भिक्षा दो सभी बोलो श्री हरदास श्री हरदास एक बार और बोलो श्री हरदास श्री हरदास एक बार और बोलो श्री हरदास।